नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। तो आइए देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट रामा सिंह के साथ। अयोध्या के सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण समिति के दूसरे दिन की बैठक मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नरपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न की गई। इस बैठक राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों, सदस्यों व तकनीकी विशेषज्ञों में मंदिर के 70 एकड़ परिसर में पहुँचने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के लोड की व्यवस्था के साथ मंदिर परिसर में अग्निशमन की पूरी व्यवस्था को लेकर विशेषज्ञ टीम के साथ मंथन किया। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि अग्निशमन के विशेषज्ञों की टीम के साथ पूरे 70 एकड़ क्षेत्र में अग्निशमन की व्यवस्था पर चर्चा के साथ फायर विशेषज्ञों की टीम को मंदिर परिसर का निरीक्षण भी करवाया गया है, जिससे वे सभी पॉइंट की सुरक्षा का प्लान बना सके। इसके अलावा राम मंदिर का दर्शन करने वाली भीड़ का आकलन करने के साथ ये भी भौतिक तौर पर भ्रमण करके देखा गया है कि किन स्थानों व मार्गों पर श्रद्धालुओं का लोड कितना होगा। करीब 50,000 रोजाना पहुंचने वाली भीड़ का लोड मोहबरा से राम मंदिर को जोड़ने वाली सड़क पर सबसे ज़्यादा आंका गया है। राम मंदिर को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर श्रद्धालुओं के आने वाले लोड का आकलन कर पहले से ही उनकी व्यवस्था कैसे की जाए, इस पर गहन मंथन किया गया है। विशेषज्ञों की टीम ने करीब 2.5 घंटे इन सड़कों की लंबाई, चौड़ाई आदि पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर के 70 एकड़ परिसर के लैंड स्केप से लेकर आवश्यक जरूरतों का भी आकलन किया गया है, जैसे परिसर से पावर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था व 5 लाख लीटर पानी की अगर जरूरत पड़ी तो वो कहाँ से मिलेगा आदि बिंदुओं पर भी गहन चर्चा की गई। उनके साथ विस्तार से चर्चा हुई है और उन्हें अधिग्रहित 70 एकड़ क्षेत्र का भ्रमण भी जितना संभव था कराया गया। एक बहुत बड़ा आज विषय चर्चा में लिया गया, फायर फाइटिंग, अग्निशमन की परिसर की व्यवस्था। दूसरा विषय, इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आएंगे अगर लोग गाड़ियों से आएंगे तो गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे? तो गाड़ी के पार्किंग किन सड़कों पर, समाज का, जनता का कितना भार रहेगा लोड, 50,000 लोग किस सड़क पर ज्यादा चलेंगे, तो इसको चलकर देखा गया है। इस काम में भी 2 से 2.5 घंटे लगे। कौन सी सड़कें 4 लेन बनेंगी, चौड़ी होंगी तो मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? इसका विकल्प क्या है? और ये बात चर्चा में आ गई, पहले विकल्प दें, भले ही टेम्पोरेरी दें। ये एक सैद्धांतिक विषय था। सत्तर एकड़ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का, पानी की आवश्यकता, अगर मान लीजिए 5 लाख लीटर पानी पर डे चाहिए, कहाँ से आएगा? हमारा विषय नहीं है सरकार, केवल हमने सड़कों पर चलकर देखा, जब समाज में भीड़ बढ़ेगी तो किन किन सड़कों से लोग अंदर प्रवेश करेंगे, तो उसमें महोबरा बाजार वाली सड़क का ज़्यादा इम्पोर्टेंस पाया गया। हवाई अड्डे पर VIP आएंगे तो वो किस मार्ग से अंदर आएंगे, ऐसे विषयों पर कमरे में बैठकर देखना आज सड़क पर भी चलकर देखा गया।
कब तक तैयार हो जाएगा सर? बताया है दिसंबर 2023।